टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड अभिनेता है और भारत में सबसे लोकप्रिय एक्शन सितारों में से एक है। वो अपनी एथलेटिक क्षमताओं, लचीलेपन और मार्शल आर्ट कौशल के लिए जाने जाते हैं, जिसे वो अक्सर अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। टाइगर श्रॉफ ने खुद को एक्शन स्टार बनाने के लिए शुरू से ही बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। टाइगर श्रॉफ को बचपन से ही हमेशा खेल और फिटनेस में दिलचस्पी थी। उन्होंने 4 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। उन्होंने जिम्नास्टिक और पार्कौर भी सीखा, जिससे उन्हें अपने कलाबाजी कौशल विकसित करने में मदद मिली। पार्कौर एक शारीरिक कला है जो लोगों को अपनी बॉडी की ग्रोथ करने और जगह की कमी के बावजूद उपकरण को उपयोग करने की ये कला है। इसे फ्रांस में पार्कौर के नाम से जाना जाता है। पार्कौर विभिन्न शारीरिक कौशलों जैसे दौड़ने, उछलने, दीवार चढ़ने, लटकने और रोल करने के माध्यम से अपने शरीर को उन्नत करने का बहुत ही मजबूत तरीका है। पार्कौर के अभ्यास करने से शरीर की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है और शारीरिक कौशल की सीमाएं बढ़ती है। ये एक अभ्यास है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आरामदायक होता है। एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी शुरुआत करना टाइगर श्रॉफ के सफर का प्लस पॉइंट रहा है। इन्होंने सन 2014 में फिल्म हीरो बंती से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को प्रशंसा के साथ क्रिटिसिज्म भी मिला और जिससे टाइगर दर्शकों विशेषकर यूथ के बीच एक वायरल सनसनी बन गए। उन्होंने बागी 2 और वॉर जैसी एक्शन फिल्मों की एक फ्रेंचाइज के साथ काम किया, जिसमें उनके मार्शल आर्ट कौशल और एथलेटिक को दिखाया गया। एथलेटिक्स अनेक गेम्स का ग्रुप है जिसमें समय, दूरी, ऊंचाई और तकनीक की भिन्न भिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिस पर टाइगर श्रॉफ की अच्छी खासी पकड़ है। टाइगर श्रॉफ ने हमेशा से एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखा है जो यूथ को अट्रैक्ट करता है। टाइगर श्रॉफ अपनी बनाई हुई बॉडी के लिए जाने जाते हैं, जो फिटनेस और ट्रेनिंग के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। वो उसके एक सख्त डाइट और साथ ही वर्कआउट शेड्यूल का पालन करते हैं, जो उनकी सहन शक्ति और फुर्ती को बनाए रखने में मदद करता है। वो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट और डाइट को शेयर करते हैं, जिससे उनके फैंस को हेल्दी जीवन शैली जीने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। इसी एक्शन खूबियों के साथ टाइगर बागी के चौथे पार्ट में नजर आने वाले हैं। अभी टाइगर गणपत और बड़े मियां छोटे मियां शूट कर रहे हैं। इनके पूरे होने के बाद वो बागी 4 की शूटिंग शुरू करेंगे। आपको बागी 4 का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।